हेलो गाइस, क्लास सिक्स एंड वर्कशीट इज़ फिफ्थ। ए इसका पार्ट है सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन दी सेंटेंसेस। मीन्स सब्जेक्ट जो आपका कर्ता है, कर्ता के ऊपर आपने सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट्स को। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा हाउ वंडरफुल द रिवर। रिवर है आपका सब्जेक्ट और बाकी जो बच गया वो है प्रेडिकेट और इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दोगे। सेकेंड में ऐसे यू है आपका सब्जेक्ट, बाकी आप अंडरलाइन कर देना। थर्ड है ऑल स्टूडेंट्स, फिर ये स्केलेट ओ हैरा हैरा दीज हिल्स हु द विलेजर्स हाउ मैनी पीपल एंड ओल्ड वुमन नन ऑफ अस। ये सारे आपके सब्जेक्ट रहेंगे और बाकी जो बच गया है, जो कर्ता के बारे में बोला गया है, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सेकेंड है क्रिएट प्रेडिकेट्स ऑफ यूअर ओन फॉर दिस सब्जेक्ट। अब हमने ही क्रिएट करने हैं, हाफ इसने दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, हमने लास्ट वाला क्रिएट करना है। फर्स्ट है अ पावरफुल साइक्लोन, तो हमने बना दिया हिट द ईस्ट इंडिया। बच्चों से पूछ भी सकते हैं जो उनको सही लगे या जो वो बताए, अगर वो लिखेंगे तो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव रह जाएगा। सेकेंड है सोजो का एंड नाउ मी वॉक टू टाउन एवरी डे। थर्ड है द ट्रेन जर्नी मेक अस हैप्पी, लीना एंड रोहन मेट देयर अंकल, ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन स्पार्कल्ड इन द सनलाइट, द मेमोरी ऑफ दोज डेज विल नेवर गेट इरेज्ड फ्रॉम माई माइंड। एंड लास्ट पार्ट इज एड सुटेबल सब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट हमने अप्लाई करना है, इसके अंदर सारे प्रेडिकेट लिखे थे। फर्स्ट में हैं जैसे साइड में दिया हुआ है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक में ही यूज़ करना है, तो हो जाएगा डज एनी वन नो द वेन्यू ऑफ द सिंगिंग कॉन्टेस्ट। सेकेंड में हो जाएगा मोस्ट ऑफ अस, फिर हो जाएगा द कमेटी, फोर्थ में द पार्टिसिपेंट म्यूगल डी करवेंट्स, एंड लास्ट में हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोजिशन सो फार। ठीक है।